जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ गोलियां मार दिया करते थे उसी समय मैंने कहा था एक वाक्य कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा दोनों एक साथ नहीं रह सकते भाए खुद कमलनाथ जी करप्शन नाथ है करप थे। छापा पड़ा तो दो करोड़ कहां से निकले थे कमलनाथ जी जवाब दें 900 वचन दिए थे 900 2018 में और उन झूठे वचनों के कारण ही उस समय उनकी सरकार बनी थी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल जी कब परिपक्व होंगे उम्र भी अब कम नहीं है उनके मुझे तो उस गठबंधन पर ही जिसका आधार मजबूरी है अब वो कैसे सीट बांटेंगे कैसे शेयरिंग करेंगे अभी तो आप देखिए उसी में तमाशा होने वाला है तो? नरेंद्र मोदी जी के समर्थन की बाढ़ है तो उस बाढ़ के डर से एक पेड़ पर पे बैठ जाओ अगर इनको अलग अलग छोड़ दिया जाए तो एक दूसरे को काटे ऐसा है कि काम के आधार पर तो कांग्रेस के लोग या हमारे प्रतिपक्षी मित्र हम पे तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकते इसलिए शिवराज महाराज नाराज ऐसे शब्द तो गढ़ते रहते हैं कर्नाटक में अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हालत ख़राब है हमारी अब कोई विकास का काम नहीं हो सकता है वोट के लिए हम ये फ्री दे देंगे ये फ्री दे देंगे ये फ्री दे देंगे, देंगे और बाद में प्रदेश की क्या हालत होती है देखिए महिला सशक्तिकरण मेरे लिए नारा नहीं है बचपन से जो तकलीफ मैंने बेटियों और बहनों की जिंदगी में देखी उन तकलीफों को दूर करने का प्रयास है मेरा साफ कहना है लव तो चल सकता है लेकिन जिहाद नहीं मैं तो प्यारा मामा हूँ और जनता मेरे लिए अपना परिवार है मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है Namaste, Jai Hind. welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Bhopal, the capital of the state of Madhya Pradesh, which goes to polls this year, a few months before the 2024 general elections. My guest today is Shivraj Singh Chauhan, who is the longest serving Chief Minister of the BJP. Shivraj Singh Chauhan has been Chief Minister of the state for 17 years. Other than the brief 15 months when the Congress party's Kamal Nath was chief minister, Shivrat Singh Chauhan is a four-term chief minister who is seeking to be re-elected for the fifth time. Popularly known as Mamaji, Shivrat Singh Chauhan has mastered the art of survival in the tumultuous world of Indian politics. He has reinvented himself, as is the need of all politicians. Women's empowerment has been the flagship of his four terms as chief minister. शिवराज जी एन आई पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे बात करने का मौका मिला धन्यवाद पहले बात तो आ, मुबारक आपको फोर टर्म चीफ मिनिस्टर ये आपने अपने कार्यकाल में इतने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं आ, तो इन चार टर्म्स के बारे में हमें कुछ बताइए डू यू फील इट्स अ टास्क वेल डन हाफ डन कंप्लीट कैसे लगता है आपको देखिए जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ पार्टी ने तय किया और मुझे सूचित किया लेकिन बचपन से मेरा स्वभाव यह रहा है कि जो काम मिल जाए उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते चलो मेरी प्रायोरिटी थी पहले टर्म में मध्य प्रदेश की बुरी हालत थी गड्ढों में सड़कों को ढूंढना पड़ता था यहाँ गड्ढों में सड़कों को ढूंढना ढूंढना पड़ता था क्योंकि 2003 तक आप पता कर लीजिएगा ना सड़कें थी टूटी फूटी केवल लगभग सत्तर हजार किलोमीटर सड़कें थी हमने टास्क लिया क्योंकि सड़कें समृद्धि की बाहिनी है बिजली होती नहीं थी दो तीन घंटे आती थी केवल आती कम थी जाती ज्यादा थी और पानी के बारे में तो सिंचाई इरिगेशन इसके बारे में कभी सोचे नहीं गया पहले कुछ डैम्स बने राजा नवाबों के टाइम में कुछ अंग्रेजों ने थोड़े बहुत बनाए कांग्रेस के टाइम में भी थोड़ा बहुत काम हुआ लेकिन प्रायोरिटी नहीं थी तो मैंने इसको एक टास्क के रूप में लिया कि प्रदेश को अगर विकास के पथ पर ले जाना है और जनता के ज़िंदगी में कठिनाइयां दूर करके सुविधाएं देना है तो पहले बिजली पानी सड़क इसकी ज़रूरत होती है तो आप देखेंगे पहले टर्म में दत्त चित्त होके मैं बिजली पानी सड़क के ले, ले अगर आप कुछ आंकड़े देखेंगे तो इकहत्तर हज़ार सत्तर हज़ार किलोमीटर सड़कों के बजाय अब ग्रामीण सड़कें भी मिला दें तो पाँच लाख ग्यारह हज़ार किलोमीटर शानदार सड़कें आज मध्य प्रदेश में हैं बिजली की उपलब्धता उत्पादन तो केवल था उनतीस सौ मेगावाट उपलब्धता पाँच हज़ार मेगावाट थी अब बढ़ के अट्ठाईस हज़ार मेगावाट है और इरीगेटेड लैंड मध्य प्रदेश में पुराने समय में कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेज सबकी मिलाकर थी साढ़े सात लाख हेक्टर आज सैंतालीस लाख हेक्टर हो गई है और पैंसठ लाख की तरफ हम बढ़ रहे हैं अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो ग्यारह हज़ार रुपया हुआ करती थी अभी दो दिन पहले भारत सरकार के आंकड़े आए अब एक लाख चालीस हज़ार रुपया जी का साइज देखें तो केवल था इकहत्तर हज़ार करोड़ रुपया आज हम पंद्रह लाख करोड़ को छू रहे हैं हर पैमाने पर फिर हमने प्रगति करने की कोशिश की फिर हमने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया एग्रीकल्चर के बाद फिर हमने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया फिर हेल्थ पर एजुकेशन पर तो कुल मिला जब हम आए थे तो स्थिति बहुत ख़राब थी प्रदेश की लेकिन आज हम काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं और इसलिए जब बने तो पता नहीं था कि बनना है लेकिन पार्टी ने और जनता ने आशीर्वाद दिया तो फिर काम करने में जुट गए शिवराज जी पिछली बार जब मैं आपको इंटरव्यू करने आई थी तब आपका इमेज कुछ और था उस वक्त आप एक सहज सरल से मामा जी थे और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बदलाव आया आपके टर्म में अब आप बुलडोज़र मामा कहलाते हैं तो ये एक और आपने ये भी कहा कि आरोपियों को आप दस फीट गड्ढे में गाड़ने की बात करते हैं तो वो वो वाला सर सर वो वाले मामा जी और इस वाले मामा जी में क्या फर्क है क्यों हुआ मैं जैसा था वैसा ही हूं राज राज अगर आप कर रहे हैं सरकार अगर आप चला रहे हैं हम राजा नहीं है सरकार चलाते हैं सेवक ही हैं तो दो एक सूत्र वाक्य हमारा सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर आज भी हम आज भी अगर देखेंगे आज आज मेरे वीडियोज अगर आप देखेंगे तो मैं लोगों के हाथ मिला रहा हूँ गले लग रहा हूँ एक बूढ़ी अम्मा फूल लेके खड़ी थी दूर पास बुला के उसके गले लगा मैं हम वैसे ही सहज और सरल है लेकिन अगर प्रारंभ से ही आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में दो हज़ार में डकैतों का आतंक था और एक नहीं कई बड़े डाकुओं के ग्रोह हुआ करते थे बॉलीवुड फिल्में बनाता था उन पर हमने तय किया उसी समय मैंने कहा था एक वाक्य कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा दोनों एक साथ नहीं रह सकते और इन सिक्स मंथ सारे डकैत ग्रोहों का या तो सफाया हो गया जेल चले गए या फिर वो प्रदेश के बाहर निकल गए नक्सलवाद ऐसा था मध्य प्रदेश में कि एक सिटिंग मिनिस्टर की गर्दन काट ले गए थे कांग्रेस के स्वर्गीय रिखी कावरे जी की हमने नक्सलवाद को ध्वस्त कर दिया सिमी के नेटवर्क को हमने तोड़ा और सिमी के आतंकवादी अगर भोपाल जेल से भागे तो लोग भूले नहीं होंगे एनकाउंटर में थोड़ी दूरी ढेर कर दिए गए तो ये अगर कोई दुष्ट है समाज के लिए देश के लिए खतरा है जनता की जिंदगी को जो कष्टमय बनाता है उसका नाश करना ये हमारा कर्तव्य है पर जब बुलडोजर चलता है तो आरोप ये है कि अवैध तरीके से होता है ये बिना कानून के मतलब उनके लोगों के जो आरोपी हैं उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है देखिए इसमें कोई भी इलीगल काम हमने नहीं किया जहाँ गड़बड़ दिखी देखिए ऐसे लोग मैं बड़े व्यथित मन से कह रहा हूँ कि समाज में ऐसी घटनाएं होती है जो दिल को पीड़ा से भर देती है बेटी के साथ दुराचार किया जेल चले गए जेल से छूट के आए फिर तो दूसरी बार भी ऐसे लोग भी हैं हमको लगा कि ऐसे टेढ़े लोगों को ठीक करने के लिए कुछ और एक्स्ट्राऑर्डनरी कदम उठाने जरूरी है और इसलिए अगर बुलडोजर चलता है तो ऐसी घटनाओं पर ही चलता है तो ये इनोवेटिव जस्टिस सिस्टम है हम पहले पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि इसका गलत क्या है और फिर उस पर हमला करते हैं देखिए लोगों में अपराधियों में जब तक भय पैदा नहीं होगा जेल गए आ गए लेकिन अगर ये भय भी है कि नहीं इससे भी ज्यादा कुछ तो करने के पहले उद्देश्य क्या है उद्देश्य तो यही है ना कि समाज में क्राइम ना हो अब ना हो तो आदर्श स्थिति कुछ ना कुछ होता है लेकिन कैसे हम नियंत्रित कर सके अपराधी डरे uh, मैं एक आर्टिकल से कोट करती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर में आया था द मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर वॉज वंस द फेस ऑफ मॉडरेट हिंदुत्व गेस्ट ऑफन एट इफतार्स दमो रो राोज दैट दुअलिंग ऑफ शिवराज चौहान और फिर आर्टिकल में यह भी लिखा जाता है कि आप हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए जिस तरह कि मोदी जी एस चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हुआ करते थे पोस्टर बॉय ऑफ ये एक कहावत है कि पोस्टर बॉय मतलब कि आप हिंदुत्व की तरफ आपका झुकाव बहुत ज्यादा है देखिए हिंदुत्व का मतलब क्या है एकम सद्र बहुधा वो वदन एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है वसुदेव कुटुंबकम हिंदुत्व है जियो और जीने दो हिंदुत्व है आत्मवत सर्वभूतेश हिंदु हिंदुत्व है विश्व का कल्याण हो प्राणियों में सद्भावना हो हिंदुत्व है सर्वे भवंतु सुखना हिंदुत्व है मैं हिंदुत्व को बहुत आदर की मैं खुद ही हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्व सबका आदर और सबको स्नेह करता है हाँ लेकिन ये भी कहा है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लार्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मनम सृजाम्यम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम तो हिंदू का मतलब कुल मिला के हमारी संस्कृति हमारे जीवन मूल्य हमारी परंपराएं जो आज इन्हीं हजारों वर्षों से इस देश में चल रही है उसको मानना उसके अनुसार चलना तो इसमें मुझे तो गर्व महसूस होता है शिवराज जी जो नया ग्रुपिंग बना है कोलेशन बना है ये आई एन डी आई ए इंडिया इनका आरोप है कि चाहे आप हो या हिमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर योगी जी हो बीजेपी के जो सारे मुख्यमंत्री हैं वो एक बहुत ही रेडिकल हिंदुत्व लाइन लेते हैं जहां पर टॉलरेंस नहीं है टूवर्ड्स मुस्लिम्स और आपके राज्य में तो सिर्फ साढ़े छः परसेंट है शायद मुसलमान तो टॉलरेंस नहीं है और बहुत ही स्ट्राइडेंट हिंदुत्व बहुत ही स्ट्रांग हिंदुत्व है नहीं नहीं हमारा हमारा सीधा कहना है सबको सबको न्याय न्याय सब लेकिन नहीं। यही हमारा सूत्र वाक्य शासन चलाने का जी हाल ही में एक, आ, आ, एक वीडियो चला था जब आप एक दलित व्यक्ति के पैर धो रहे थे क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ था उसके बारे में भी आप हमें कुछ बताएं कि उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ जब उसे उस पर अन्याय हुआ और दूसरा आपने जो पश्चाताप किया एज ए चीफ मिनिस्टर कि आपके राज्य में ये हुआ और आप मुख्यमंत्री हैं तो कैसे आपने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली एक अमानवीय काम हुआ मन व्यथित हुआ पीड़ा से भरा और मुझे लगा कि जिसके साथ ही अमानवीकृत हुआ है वो भी तो उसी चेतना का अंग है जिसके हम हैं सिया राम में सब जग जानी एक ही चेतना सब में है उसकी भी गरिमा और सम्मान है अगर उसको ठेस पहुंची है तो उसकी भरपाई मैं करूं और मेरे लिए तो अपनी जनता ही भगवान है गरीब आदमी ही तो नारायण है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही तो कहा दरिद्र ही नारायण है तो अपने उस नारायण को मैंने बुलाया और मैंने पैर धोए पश्चाताप भी किया क्योंकि इस तरह की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए होती है तो मन को व्यथित करती है ना हो इसका इंतजाम भी करेंगे और अगर हो गई तो कैसे गले लगा के उसकी तकलीफ कम कर सकें उसको आदर सम्मान मान दे सकें और खुद भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हम पश्चाताप भी करें कि हमारे रहते हुए ये हुआ आप अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे थे कि कैसे नक्सलवाद के खिलाफ आपने कदम उठाए आ, माफिया के ख़िलाफ़ हो या फिर डकैतों के खिलाफ हो आ, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो 2023 में जो वोट देने वाले हैं वो शायद उस वक्त सिर्फ चार या पाँच साल के होंगे उनको शायद ये बात याद भी नहीं होगा कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में डाकू हुआ करते थे डाकुओं का राज था काफ़ी एरियाज़ में मुझे याद है सर जब मैं इन माय चाइल्डहुड जब हम लोग हमारी uh, हम लोग जयंती जनता या फिर ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस हमारी चलती थी और जब मध्य प्रदेश में आते थे हम सेकंड क्लास में ट्रैवल uh, करते थे क्योंकि एलटीसी में सिर्फ सेकंड क्लास में मिलता था गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तो उस वक्त सारे विंडोज़ बंद कर देते थे और uh, ताला मार दिया जाता था और लाइट्स ऑफ होते थे जब मध्य प्रदेश से गुजर, गुजरते थे तो वो मेरे जनरेशन को वो वक्त याद है लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको तो शायद ये याद भी नहीं रहेगा तो जब आप इस बात को दोहराते हैं कि आपने कैसे उनको हटाया डेकोइड्स को तो क्या डू पीपल अंडरस्टैंड यंग वोटर्स देखिए दोनों चीज़ें हम कौन थे क्या हो गए कल क्या थे आज क्या है वो याद दिलाना भी चाहिए मुझे याद है कि एक बारात में मैं गया था बस से मेरे कज़िन थे उनकी बारात थी तो जैसे ही हम शिवपुरी से निकले थे शिवपुरी की डांग कहते थे तो इतने घबराए हुए थे लोग दिन दिन में निकल जाओ शाम नहीं हो जाए नहीं तो डाकू आ जाएंगे लाइन में खड़े रह के डकेत गोलियां मार दिया करते थे अपहरण एक उद्योग था आतंक का ऐसा वातावरण था अब उसको ठीक करने का काम हमने किया लेकिन केवल वो नहीं है आज अगर किसी वो क्राइम नहीं है कोई और तरह की कोई चीज़ होती है तो सरकार उतनी ही दृढ़ है लेकिन कल हम क्या थे अब इसका जिक्र तो निश्चित तौर पर होगा कि बदला कितना है समय अपना प्रदेश तो वो बताने का हम प्रयास भी करते हैं ये बात सही है कि आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें तो मामी का राज देखा है उनको पता ही नहीं था कि पहले बिजली नहीं आती थी तो मोमबत्ती में या लालटेन में पढ़ना पड़ता था पेट्रोमैक्स में पढ़ना पड़ता था या गर्मी के दिनों में यह हालत होती थी भोपाल में कि लोग अंडरवियर बनियान पे निकलते थे और किसी ट्रैवल से अपना हवा करते रहते थे लेकिन आज बहुत बेहतर स्थिति है इससे बेहतर और हम कहाँ ले जाएंगे हम वो भी बताते हैं और पीछे क्या था जी वो भी बताने का प्रयास करते हैं चलिए दो के इलेक्शन में आती हूँ उस वक्त ज, हुआ क्या था शिवराज जी बताइए क्योंकि आ, सब लोग सब चकित हो गए थे कि इतनी जल्दी क्या पड़ी थी जाके रेजिग्नेशन या फिर हैंडओवर करने की क्यों नहीं ऑपरेशन कमल टैक्टिक यूज किया गया क्योंकि बीजेपी इतनी जल्दी हार तो मानती नहीं है मतलब गैप क्या था वन जीरो नाइन था आपका और वन फोर्टीन था कांग्रेस का तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी के लिए आराम से सीटें और आ सकती थी कुछ लोग इधर से उधर और कहा जाता है कि उस वक्त आ भी रहे थे लोग सागर तक पहुँच गए थे <laughs> और फिर आप मिले नहीं आप चले गए पेपर दे दिया गवर्नर को ऐसे क्यों किया आपने दादी दो चीजें थी एक हम नंबर हमारा कम था वोट हमारे ज़्यादा थे परसेंटेज ज्यादा थे हाँ परसेंटेज ज़्यादा था और बहुमत कांग्रेस का भी नहीं था उस समय भी कोशिश की जा सकती थी लेकिन मुझे लगा कि ये नैतिक रूप से सही नहीं है जिनको ज़्यादा सीट मिली उनको सरकार बनाना चाहिए दूसरी चीज़ ये थी कि उनको जो वोट भी मिले थे उनकी झूठी घोषणाओं के कारण मिले थे कर्ज माफ कर देंगे बेरोजगारी भत्ता देंगे 900 वादे किए थे कांग्रेस ने 900 वचन और उनमें से कोई पूरा नहीं किया उन्होंने उस समय लेकिन मेरे मन में लगा कि भाई सीट ज़्यादा है तो अब ये सरकार चलाएँ और इसलिए मेरे मन में तो बेचैनी थी कि अब मुझे नहीं रहना मेरी सीट कम है तो मैं तो, मैं तो मैंने रिजाइन करने के बाद कहा था कि नाउ आई एम फ्री और वो मस्ती से अपना देख के निकल आया था ये बात सच है कि लोग आ रहे थे उस समय भी मैनेज किए जा सकते थे कोशिश की जा सकती थी लेकिन लगा के ये नहीं करना चाहिए उसके निकल गए आपने मोदी जी और अमित शाह से बात की कि मैनेज नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि ये विशुद्ध रूप से क्योंकि हमारी सीट कम थी तो हमारा फैसला था और फैसला पार्टी के साथ मिलकर ही किया था ठीक है अब सीट कम है तो नहीं बनानी चाहिए और पंद्रह महीने में फिर क्या हुआ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया हमने थोड़ी कुछ किया कमलनाथ जी के राज में हाहाकार मच गया बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया बल्लभ भवन मीन्स मेरा सिक्रेट्रिएट चारों तरफ लूट का आलम था अब वो समय जो छापे पड़े तो आपको ध्यान में दो सौ करोड़ रुपए अगल बगल के लोगों से निकले हालत ये हो गई थी कि बिना लिए दिए कुछ होता ही नहीं था हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी मैं आपको उदाहरण देता हूं मैं बच्चों को लैपटॉप के लिए पच्चीस हजार रुपये देता था जो अच्छे नंबर लाते थे ट्वेल्थ में लैपटॉप देना बंद कर दिया गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म के पहले चार हज़ार और जन्म के बाद बारह हजार हम देते थे ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके और अच्छा खाए पिए पोषण के पोषण हाँ. के लिए वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिए हम बेटियों की शादी करते थे मास मैरिजेज होती थी सरकार की तरफ से इनने शादी तो हो गई पैसे ही नहीं दिए हम तीर्थ दर्शन करवाते थे तो तीर्थ यात्रा इनने बंद कर दी केवल इतना नहीं किया इन्हने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भेजे वो मकान ही स्टेट का शेयर नहीं दिया वापस कर दिए जल जीवन मिशन 2019 में पीएम साहब ने प्रारंभ किया वो जल जीवन मिशन इन्हें शुरू ही नहीं किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कि की सूची नहीं भेजी भाई प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी छः रुपया किसानों को दे रहे हैं आपका क्या बिगड़ता था लेकिन वो सूची तक नहीं भेजी गई इनने बेगा भारिया सहरिया बहनों को हम एक हजार रुपया देते थे आहार अनुदान ट्राइबल्स हाँ ट्राइबल्स जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति थी जी। उनका एक हजार रुपया बंद कर दिया विकास के सारे काम ठप कर दिए चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम था और जब ऐसी चीजों पर टोका श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने तो ये उनसे ही अकड़ गए कि सड़क पे आ जाओ निपट लेंगे देख लेंगे तो हम तो ये देख के व्यथित हो रहे थे कि बड़ी मुश्किल से हम प्रदेश की गाड़ी को विकास की पटरी पर लेके आ पाए और ये सत्यानाश किए दे रहे हैं पूरा लेकिन आपने अपने लोगों को भी हर्ट किया और जब सिंधिया जी ने कहा कि वचन निभाओ वादे पूरा करो तो कमलनाथ जी ने उनको यहाँ के दिखा दी कि तुम आ जाओ सड़क पे तो सिंधिया जी अपने साथियों को लेके आ गए और फिर हम क्या करते एक तरफ इतनी निकम्बी और नाकारा भ्रष्ट सरकार दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी टूट के खुद ये फैसला कर रही है कि हमको सरकार में नहीं रहना तब प्रदेश के हित में हमने सरकार बनाई आपने अपनी टीम को मनाया कैसे क्योंकि बीजेपी उस 2018 के चुनाव में तो नारा ये था कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज अब फिर सिंधिया जी लेके आते हैं बाईस लोग कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वाले लोग वो आते हैं आपकी सरकार में कैबिनेट में आ जाते हैं आप अपने लोगों को कैसे मनाते कि भाई आप बीस पच्चीस साल से काम कर रहे हो पीछे हटो ये लोग आ गए हैं इनको देना पड़ेगा मंत्री पद भारतीय जनता पार्टी अद्भुत है और हमारा कार्यकर्ता आदुत्तीय वो केवल अपने लिए काम नहीं करता हम काम करते हैं अपने देश के लिए समाज के लिए उस विचार के लिए जिसको हम एकात्म मानव दर्शन कहते हैं और उस विचार को पूरा करने के लिए क्रियान्वित करने के लिए देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कार्यकर्ता हर परिस्थिति में तैयार रहता है जब लगा कार्यकर्ताओं को कहीं ठीक है सरकार बन रही है तो बनना चाहिए तो लोगों ने उनको गले लगाया और आज मिलके हम समरस हो गए जैसे दूध में शक्कर मिलके एक हो जाती हम लोग एक हो गए एक परिवार के सदस्य हैं एक राह के राही है लक्ष्य हमारा एक है तो मिलके हम सब एक हो गए सब मान्य सबने मिलकर तय किया उनके आने से ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से और उनके 22 लोगों के आने से क्या बीजेपी को नुकसान हुआ है कि फायदा सरकार में तो आ गए देखिए नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं है फायदा हुआ है देखिए वो समय मुझे याद आ रहा है जब मैं मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली थी कोविड का भयानक दौर था और उस समय अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पता नहीं क्या होता क्योंकि कोविड से निपटने की कोई तैयारी नहीं की गई थी गई थी उस समय कमलनाथ जी तो आईफा जैसे आयोजनों में उलझे हुए थे तो मैं तो यह मानता हूं कि शायद ये प्रदेश की जनता का सौभाग्य था या भगवान की कोई मर्जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बन गई और हम लोग मिलकर परिस्थिति से निपटे पर यहां पे जो मीडिया है वो कहती है कि अब बीजेपी तीन गुटों में बंट गया है शिवराज भाजपा महाराज भाजपा और नाराज भाजपा <laughs> एक एक गुट है जो कोप भवन में बैठा हुआ है नाराज भाजपा की अब क्या होने वाला है ऐसा है कि काम के आधार पर तो कांग्रेस के लोग या हमारे प्रतिपक्षी मित्र हम पे तो कोई टिप्पणी कर नहीं सकते इसलिए शिवराज महाराज नाराज ऐसे शब्द तो गढ़ते रहते हैं अब हम सब एक हैं और मैं जैसा मैंने बताया कि एक साथ मिलके एकजुट होकर काम कर रहे हैं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो ग्वालियर में वो स्ट्रांग है वहाँ पे उनके जो जो लोग हैं वो लॉयल्टी उनकी तरफ है बीजेपी की तरफ नहीं एक इंसान की तरफ है तो जैसे जो नगर पालिका का जो महापौर है उन पर उनका कैंडिडेट होता है बीजेपी हैज़ लॉस्ट इट्स पावर आउट देयर ऐसे है बिल्कुल ऐसा नहीं है एक तो ज्योतिरादित्य जी केवल ग्वालियर के नेता नहीं है वो प्रदेश के लीडर है और ये सौभाग्य के भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर के हमारे कई साथी नेता हैं जिनकी पहचान पूरे प्रदेश में है और हम लोग जब कैंडिडेट भी कोई तय करते हैं तो मिलकर तय करते हैं कई बार ये हो जाता है अनएक्सपेक्टेड हार जीत हो जाती है लेकिन काम मिलकर करते हैं 2023 के लिए जो कैंडिडेट्स चुने जाएंगे वो कहाँ पे चुने जाएंगे यहाँ भोपाल में या फिर दिल्ली में देखिए भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है विचार विमर्श के एक दौर चलता है प्रदेश में और उसके बाद अंततः फैसला होता है केंद्रीय चुनाव समिति में यहाँ नाम पर चर्चा होती है और अंतिम मोहर लगती है जो हमारी केंद्रीय चुनाव समिति है उसमें तो ये तो चयन की हमारी प्रक्रिया है आपके कार्यकाल में जो आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो लाडली स्कीम है वुमेन्स एम्पावरमेंट इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए तो मौज है शिवराज जी के टेन्योर uh, uh, में क्योंकि सारे स्कीम्स जो है विमेन एम्पावरमेंट के लिए है इज़ अ शॉर्ट प्राइमर अबाउट द लाडली स्कीम द लाडली बहना स्कीम्स एम इज टू प्रमोट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन मध्य प्रदेश अंडर दिस स्कीम एंड अमाउंट ऑफ रुपीज वन थाउजेंड इज डिपोजिटेड इन वुमेन्स बैंक अकाउंट एवरी मंथ the eligibility is women from the age bracket of 21 to 60. the chief minister has also now enhanced the amount to rupees 1250 and then 1500 and then 1750 and then 2000 and after that 2250, 2500 and then 2750 till it goes up to 3000 finally. the sisters or behenas will be included in the lakhpati club, making them lakhpatis in the coming five years. so women's empowerment or ladli scheme is देखिए महिला सशक्तिकरण मेरे लिए नारा नहीं है बचपन से जो तकलीफ मैंने बेटियों और बहनों की ज़िंदगी में देखी उन तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास है मैंने स्मिता जी बचपन में देखा था अपने गांव में कि बेटा जन्म लेता था तो खुशियां मनाई जाती थी बधाई गाओ लड्डू बांटो, हवाई फायर करो ढोल बजाओ और बेटी अगर पैदा हो गई तो माँ का चेहरा ही उतर जाता था जैसे बेटी नहीं हो गई हो आफत हो गई हो मैंने ऐसी चीज़ें भी सुनी है कि कई बार दिल कांप जाता है ये तक होता था कि बेटी अगर पैदा हुई तो पैदा होते ही तमाकू या दबा दो तो मर जाए अब इसका परिणाम ही और जैसे विज्ञान ने प्रगति की और ये पता चलने लगा कि कोख में जो पल रहा है वो बेटा है कि बेटी है बेटी है तो कोख कोई कत्ल खाना बना दो सेक्स रेशियो की हालत यहाँ ये हो गई थी कि हज़ार बेटों पे केवल 912 बेटियां पैदा हो रही थी ये देख के मेरे मन में इतनी पीड़ा होती थी मैं बयान नहीं कर सकता मैं कुछ नहीं था उस समय लेकिन मैं सोचता था कि हे भगवान ये भेदभाव क्यों बेटा बेटी एक ही माँ की कोख में पलते हैं और जन्मते हैं उनमें भेद क्यों होता है तो मन में तब से पीड़ा होती थी कि ये भेद मिटना चाहिए मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं कि पति पत्नी का झगड़ा हुआ मेरे घर के सामने एक घर था तो पति उठाता था डंडा और पत्नी को मारता था वो रोती हुई दौड़ती हुई हमारे घर में घुस जाती थी अब ये ये हालत थी महिला की तो तब मेरा मन कहता था कुछ कुछ होना चाहिए ये स्त्री पुरुष की समानता क्यों नहीं स्त्री आखिर क्यों इतना अन्याय सहन करें मैंने वो दृश्य देखे स्मिता जी के बेटा बेटी को जन्म देने के दो दिन पहले तक मजदूर बहन काम करती थी खेतों में और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद आठ दिन का बच्चा नहीं होता था उसको घर पे छोड़ के खेत की मेड़ के मेड़ पर रख के दिन दिन भर मजदूरी करती थी ढंग से दूध तक नहीं पिला पाती थी तब मेरा मन करता था कि ये भेदभाव खत्म कैसे होगा और जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी मेरे मन में यह भाव था और इसलिए मुझे जहाँ मौका मिलता था मैं एक छोटी सी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था तो मैं वक्ता अच्छा था तो बोलने का मुझे मौका मिल गया मुख्य अतिथि के आने में देर थी तो बोले इस लड़के को खड़ा कर दो मैंने वहाँ कहा कि बेटा बेटी दोनों को बराबर मानो तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई बड़ी बात कर रहा है बेटा बेटी को बराबर मानो बेटी अगर बड़ी हो गई तो शादी में दहेज के अंजाम क्या तू करवाएगा तो मुझे लगा कि हे भगवान ये भाषण से नहीं होगा कुछ करना पड़ेगा और इसलिए जब मैं पहली बार एम बना मैंने बेटियों की शादी करना शुरू की अपने मित्रों के साथ मिलकर शादी होनी चाहिए ताकि बेटी की शादी बोझ ना हो फिर मैंने जैसे ही चीफ मिनिस्टर बना सबसे पहली योजना मैंने यही बनाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कि बेटी की शादी में आप कर्जा नहीं लोगे बेटियों की शादी सरकार करेगी शादी बोझ नहीं होगी मेरी योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी मेरे मन में यह भाव आया कि बेटी को जब तक बोझ मानेंगे लोग पैदा नहीं होने देंगे और इसलिए बेटी लखपति पैदा हो ये मेरे मन में भाव आया मैंने अपने अफसर बुलाए और उनसे कहा कि ऐसी योजना बनाना है कि बेटी लखपति पैदा हो तो पहले तो वो हंसने लगे उनको लगा कि नया नया मुख्यमंत्री बनाए तो जोश है तो दो चार दिन कहेगा फिर चुप हो जाएगा लेकिन मैंने कहा कि मैं बनाऊंगा मध्य प्रदेश में अब जो बेटी पैदा होगी वो लखपति ही होगी और हमने तय किया कि तीस हज़ार रुपये के बचत पत्र बिटिया के जन्म के साथ ही खरीद के उसके माता पिता के हाथ में दे देंगे उसको मैंने पढ़ाई से जोड़ा पाँचवीं पास करके छठवीं में जाए तो दो हज़ार आठवीं से नौवीं में जाए तो चार हज़ार ग्यारहवीं में छः हज़ार बारहवीं में छः हज़ार कॉलेज में एडमिशन ले तो साढ़े बारह हज़ार पास पास करे तो फिर साढ़े बारह हज़ार ताकि बेटियों को पढ़ाएं भी कॉलेज तक लोग और इक्कीस साल की हो जाए तो एक लाख आज लगभग छालीस लाख लाडली लक्ष्मी बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर हैं जिन बेटियों को मैंने गोद में ले वो दिए थे स्वीकृति पत्र आज वो कॉलेज में पहुँच के जब मुझसे कहती मामा तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है और मुझको लगता है कि मेरा जीवन सफल हो रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि नौ नहीं अब हजार बेटों पर नौ बेटियां पैदा हो रही है लेकिन मैं यहीं नहीं रुका मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने योजना बनाई 50 परसेंट रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों को नहीं लड़ने नहीं देते थे चुनाव वो मेयर नहीं बन सकती वो सरपंच नहीं बन सकती पुलिस में भी हाँ उसके बाद पुलिस में हमने थर्टी का का इतना विरोध किया पुरुष पुरुष जो अफसर थे हमारे अरे सर कबाड़ा हो जाएगा फोर्स का सब सत्यानाश हो जाएगा मैंने कहा कि किसी भी कीमत पर थर्टी परसेंट बेटियाँ पुलिस में आएंगी ही क्योंकि मैं जानता था थाने में अगर अन्याय की शिकार कोई बहन गई और पुरुष पुलिसकर्मी मिल जाए तो क्या वो अपनी मन की बात कह सकती है क्या? जी हमने तय किया कि नहीं बेटियाँ होंगी और फिर हमने मेला हेल्प डेस्क बनाई हर एक थाने में वो भी हमने किया फिफ्टी परसेंट रिजर्वेशन हमने नौकरियों में पति तो ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे नाम पर मैं करवा रहा हूं खेत मकान दुकान क्योंकि रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा फोर्टी परसेंट रजिस्ट्री आज महिला के नाम पर होती है मध्यप्रदेश की धरती पर लेकिन एक लालडी बहना मैं क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इमोशनल विषय है गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय बहन एक हजार रुपए की भी जरूरत पड़ जाए बेटा बेटी आके गोद में बैठ गया माँ किताब दिला दे माँ मेरी फ्राक फट गई फ्राक दिला दे मांगना मां... पड़ता है फिर माँ की इच्छा होती कि दिलाऊ लेकिन मांगने जाती पैसा नहीं मिलते तो माँ के दिल पे क्या गुजरती आइसक्रीम खिला दे माँ बीमार हो गया तो सौ रुपए की दवाई लाना है दिला दे माँ या माय के गई तो भाई के बेटा बेटी उनका बुआ क्या लेके आई अब मजबूसी लगती थी उस समय मुझे और वो बहनों की तकलीफ पास से देखता था और इसलिए मैंने तय किया, किया कि देखिए आधी आबादी है ये क्या धरती के संसाधनों पर इसका कोई हक नहीं है क्या स्त्री और पुरुष समान नहीं होना चाहिए क्या आर्थिक रूप से बहने बंधुआ होना चाहिए और इसलिए मुझे लगा कि इनका हक है और इसलिए हमने तय किया कि एक हजार रुपया महीना देंगे जिसको बढ़ाते हुए तीन हजार तक ले जाऊंगा ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मेरे अंतर आत्मा से निकली है और मैं जानता हूं कि इसके कारण बहनों की तकलीफ कितनी कम हुई है कितनी दूर हुई है आपकी जो स्कीम है लाडली बहना सेना इसके बारे में कुछ बताएं पर उससे पहले हियर्स प्राइमर लाडली बहना सेना विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड इन द स्टेट इन बिग विज एंड इलेवन मेंगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्लाइटेशन दीज फोर्स विल हेल्प वीमेन टू गेट बेनिफिट ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स हमने ये तय किया है देखिए केवल पैसा बांटना मेरा लक्ष्य नहीं है मेरा टारगेट है कि दस हजार रुपया मासिक आय एक बहन की घर का कामकाज करते हुए होना चाहिए अब वो केवल सरकारी तंत्र नहीं करेगा हमने स्व सहायता समूह बनाए मध्य प्रदेश में तिरपन लाख बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है और कई तरह के काम हमने उनको दे दिए कुछ काम वो खुद कर रही है कुछ सरकार की तरफ से भी जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म बनाएंगी पोषण आहार की फैक्ट्रीज वो चलाएँगी सात पोषण आहार की yes. फैक्ट्रीज हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें चला रही अभी हमने फैसला किया कि टोल टैक्स जहाँ दो करोड़ तक वसूल होता है वो दे देंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम और एक लाख रुपया अगर वो वसूल करेंगे तो तीस हजार रुपया उनको दे देंगे तो महिला सशक्त आर्थिक रूप से सशक्त हो उसका अभियान हमारा चल रहा है लेकिन इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए मुझे बहन में से ही कुछ बहनें निकालनी और उसका नाम दिया हमने लाडली बहना सेना ग्यारह बहनें छोटे गाँव में बड़ा गांव है तो इक्कीस बहनें और वो खुद इस काम को करेंगी और उनको बाकायदा की सेना मान के सेना मीन सेवा करने वाली उनको अधिकार दे रहे हैं कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन आप देखो जी कांग्रेस के कमलनाथ जी ने कहा है दैट वीमेन आर नॉट सेफ इन मध्य प्रदेश उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार है जहां पर जो मशहूर है कि औरतों पर अत्याचार यहां पर होता है कमलनाथ जी के मुंह से ये शोभा इसलिए नहीं देता कि जो महिलाओं के प्रति इतनी आदर की दृष्टि नहीं रखते हमारी पूर्व मंत्री को आइटम कह के बुलाते हैं भाषणों में और फिर हंसते हैं और कहते हुए मुझे तकलीफ होती है कि एक वरिष्ठ नेता टंचमाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका महिलाओं के प्रति आदर से कोई लेना देना नहीं है जब वो उन्नीस बीस में खुद भी मुख्यमंत्री थे देखिए तकलीफ का विषय है कि महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आती है लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार है हमने मध्य प्रदेश में ये कानून सबसे पहले बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे जाएगा और मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है यह अलग बात कि प्रक्रिया लंबी होती है फिर हाई कोर्ट जाएंगे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे देर लगती है। लेकिन जेलों में तो सड़ रहे हैं कम से कम तो हम कठोरतम कदम उठाते हैं जी नहीं कमलनाथ जी ने, कमलना ने इसलिए कहा था क्योंकि वो सतना का जो इंसिडेंट हुआ था एक ही हफ्ते में दो नाबालिग लड़कियों के साथ दे वॉज अट्रॉसिटी और फिर एक होम मिनिस्ट्री का भी रिपोर्ट निकला है वो स्टेटिस्टिक्स पार्लियामेंट में रखे गए थे कि तेरह लाख से ज़्यादा लड़कियां और महिलाएं गायब हो गई थी 2019 और 2021 के बीच और 2019 और 2021 के बीच मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है उस लिस्ट में तब तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री थे उस समय 19 से लेके मार्च मार्च तक तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे लेकिन मैं इसको राजनीति में नहीं ले जाना चाहता इस विषय को समाज को भी अवेयर करना पड़ेगा और सरकार को भी कठोरतम कार्रवाई करनी पड़ेगी जो दोनों काम हम कर रहे हैं ऑपरेशन मुस्कान जैसे अभियान भी हम चलाते हैं जिसमें हमारे पुलिसकर्मी बेटियों को ढूंढ के लाते हैं सुरक्षित तो समाज में अवेयरनेस और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जी आ, आपने कई सारे स्कीम्स के बारे में हमें बताया तो इसमें आप आ, जैसे कांग्रेस की सरकार कहती है कि 2023 तक जब वो आएंगे अग, अगर वो इस आ, प्रदेश में वापस आएंगे तो वो पाँच सौ सिलेंडर कर्ज़ा माफ़ी पावर आ, फ्री पावर फॉर फार्मर्स ये सब वो कह रहे हैं और ये जानते हैं कि कर्नाटका में उन्होंने ऐसे वायदे किए थे और सरकार में आ गए तो यहाँ पर भी वो ऐसे वादे कर रहे हैं कर्नाटक मैं अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हालत खराब है हमारी अब कोई विकास का काम नहीं हो सकता देखिए केवल वोट के लिए इस तरह की चीज़ें करना हमने लाडली बहना की मैंने बताया कारण क्या था वो हमने बाय हार्ट की लेकिन वोट के लिए हम ये फ्री दे देंगे ये फ्री दे देंगे ये फ्री दे देंगे, देंगे और बाद में प्रदेश की क्या हालत होती है मध्य प्रदेश जैसे राज्य मॉडल हैं संतुलन के एक तरफ हम ये मानते हैं कि वंचितों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हम देते भी हैं पर हमारे प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण का अभियान देश में उन्होंने चलाया हुआ है गरीब कल्याण हमारा संकल्प ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है और इसलिए चाहे राशन का सवाल हो उजला रसोई गैस कनेक्शन हो प्रधानमंत्री आवास हो आयुष्मान भारत योजना हो बीमा की कई योजनाएँ हो प्रधानमंत्री जी स्वयं चलाते हैं लेकिन ये ज़रूरत है कांग्रेस ये वोट के लिए करती है वोट कैसे बटो रहे हैं वोट कैसे बटो रहे हैं मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो हम लाडली बहना भी चला रहे हैं लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने कम नहीं होने दिया मैडम कैपिटल mm. एक्सपेंडिचर हमारा इस साल फिफ्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ है हम सड़क भी बना रहे हैं हम बांध भी बना रहे हैं हम पावर प्लांट भी लगा रहे हैं हम स्कूल भी बना रहे हैं हम अस्पताल भी बना रहे हैं हमारा संतुलन है हम अगर कोई करते हैं तो उसके पीछे सुनियोजित विचार और सोच होता है कल्याण का लेकिन कांग्रेस वोट बटोरने के लिए करती है और फिर पूरे नहीं करते बात जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जवाब दें 900 वचन दिए तो 900 2018 में 2018 में और उन झूठे वचनों के कारण ही ये बात सच है कि उस समय उनकी सरकार बनी थी कुछ लोग आगे झांसे में कि कर्जा माफ़ हो जाएगा बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का कर्जा माफ़ हो जाएगा दूध में इतने लीटर बोनस मिलेगा हर फसल पर बोनस मिलेगा पता नहीं कितनी घोषणाएं कर डाली बाद में कुछ नहीं कर पाए कर्नाटका की बात करती हूँ वहां पर जो सरकार थी बम्बई सरकार उन पर फोर्टी परसेंट का एलिगेशन किया था कांग्रेस ने और हर जगह पोस्टर छपवाए थे मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कोशिश की थी कि पचास परसेंट वाली सरकार करके पोस्टर खुद कमलनाथ जी करप्शन नाथ है पूरी दुनिया कहती है मैं क्या कहता हूँ छापा पड़ा तो दो सौ अस्सी करोड़ कहाँ से निकले थे उनके अगल बगल के लोगों से निकले थे जो गले गले तक कमीशन और भ्रष्टाचार में डूबे उन भगवान भरोसा करेगा एक दिक्कत यहाँ पर है कि ये जो परीक्षा भर्ती को लेकर स्टूडेंट्स काफी दुखी हो जाते हैं कि वहां पर आ, सिस्टम्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो बिर रद्द किया जाता है एग्जामिनेशन क्यों नहीं ये सिस्टम्... मैडम हम ही हैं जो शासकीय नौकरियों में भर्ती का अभियान चलाते हैं हमने पिछले पंद्रह अगस्त कहा था एक लाख शासकीय नौकरियां देंगे अभियान चल रहा है लगभग साठ हजार भर्तियां हो गई है एक भर्ती में कुछ आपत्ति आई तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उसकी जांच कर रहे हैं मैं इतना ही कहूंगा कि जो कुछ होता है पूरी तरह से पारदर्शी होता है कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती और कहीं संदेह अगर उठा तो संदेह से परे ये भर्तियां होनी चाहिए इसलिए जैसे ही संदेह के बादल छाए हमने तत्काल कहा कि अभी अभी नियुक्ति नहीं होगी और कोई सरकार का अधिकारी भी जांच नहीं करेगा हाई कोर्ट का जज जांच करेंगे सर हम आ, आपके कार्यकाल के में यू नो यू बीन इन पावर फॉर सो लॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है एक पॉलिटिशन को बार बार अपने आप को री करना पड़ता है आपने अपने आप को काफ़ी री किया जैसे मैंने पहले कहा था मामा जी से आप बुलडोजर मामा भी बने आप नक्सल और माफिया और डिकॉयटी इन तीनों पर आपने काबू पाया तो उसके बाद आप यू स्टार्टेड बिकमिंग अ पर्सन हु फ्रॉम बिजली सड़क पानी से लेकर आप आप बार बार अपने आप को री करते हैं तो हाउ डू यू डिसाइड क्या आप देखिए मैं मध्य प्रदेश की ज़रूरत क्या है विकास की और जनता की आवश्यकताएं क्या है वो देख के कार्यक्रम नीतियाँ और योजनाएं बनाता हूँ मैं कैसा हूँ मुझे लोग किस रूप में देखेंगे इसकी परवाह नहीं करता मुझे जो अच्छा लगता है जनता के हित में लगता है हम लोग बैठ के फैसला करते हैं और ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं बनाते हैं जैसे हमने तय किया अभी कि बेरोजगारी भत्ता कोई सॉल्यूसन नहीं है एक तरफ सरकारी नौकरियों में भर्ती दूसरी तरफ अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कई योजनाएं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी और तीसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता नहीं चिड़ियाँ अपने बच्चों को घोसला नहीं देती पंख देती ताकि वो ऊँच उड़ान उड़ सके इसलिए हमने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना बनाई कि बच्चे ट्वेल्थ पास है आई टी आई की हुए है या ग्रेजुएस ग्रेजुएसन किया हुआ है तो वो कहीं काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले उनको आठ हज़ार रुपया दिए जाएंगे और काम सीख के जब वो स्कूल हो जाएंगे तो अपने आप काम उनको मिलेगा तो हम कुछ ये नहीं करते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कैसा दिखेगा मैं कैसा दिखूँ हम तो जो ठीक जनता के लिए समझते हैं वो काम करते रहते हैं तो 2023 में आपके कौन से वायदे होंगे नहीं वायदे हमारा तो रोड मैप तय है कल आज और कल अभी जैसे हमने सड़कों का जाल बिछा दिया अब हम कई एक्सप्रेस वे बना रहे हैं अटल एक्सप्रेस वे चंबल में बन रहा है जहाँ कभी डाकुओं की बंदूकों की गूंज होती थी अब वहाँ एक्सप्रेस वे बन रहा है नर्मदा एक्सप्रेस वे बन रहा है विन्द एक्सप्रेस वे बन रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है मेट्रो ट्रेन आ रही है अब पावर प्लांट हम लगा रहे हैं तो केवल थर्मल नहीं लगा रहे हैं। सोलर पर जा रहे हैं सोलर में भी ओमकारेश्वर के पानी बांध में हम सोलर पैनल पानी पर बिछा के और उससे बिजली उत्पादित करने का काम कर रहे हैं शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा पानी की सतह पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तो हम आप देखेंगे अब हम जा रहे हैं निवेश में सेमीकंडक्टर जैसी चीज़ें उसका निवेश कैसे आए आईटी आई कंपनीज तेजी से मध्य प्रदेश में आ रही है अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में निवेश हमारे यहाँ आ रहे हैं तो हम और आगे क्या करेंगे उसका रोड मैप हमारा तैयार है यहाँ तक हम आए हैं लेकिन आगे जैसे अब शिक्षा हमने सी एम राय स्कूल बनाए और सी एम राय स्कूल में ये पच्चीस तीस गाँव के बीच में एक स्कूल होगा आसपास के गांव के बच्चे बसों से आएंगे यहाँ वहाँ लैब होगी वहाँ लाइब्रेरी होगी वहाँ स्मार्ट क्लास होगी वहाँ प्ले ग्राउंड होगा मुंबई दिल्ली में भी बैठ के शिक्षक वहाँ पढ़ा सकेंगे एकदम ऐसे स्कूल जो पब्लिक स्कूल से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है इसलिए इसलिए हमने जो आज जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से और आगे क्या उसका रोड मैप बना रखा है और सुनियोजित ढंग से उसी रोड मैप पर हम चल रहे हैं क्या आप समझते हैं कि लोग जब वोट देने जाते हैं तो विकास के नाम पर वोट देते हैं क्योंकि जब काफ़ी सारे सर्वेज जब किए गए थे कर्नाटका में यही था कि विकास अगर हो या ना हो मतलब कर्नाटका एक इट्स अ प्रॉस्परस स्टेट ठीक है उसके बावजूद आ, सरकार के खिलाफ वोट गया एक तो करप्शन का मामला था दूसरा पीपल डेंट हैव ट्रस्ट कि बोरियत भी हो जाती है <laughs> एक ही सरकार और आप करीब 20 साल तक Uh, यहाँ पर यू नो यू बीन चीफ मिनिस्टर सेवेंटी टू ट्वेंटी ईयर्स तो आप अपने आप को नहीं समझते कि लोग सोचते कि हाँ भाई फिर से वो शिवराज जी फिर से मैं तो प्यारा मामा हूँ और जनता मेरे लिए अपना परिवार है मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है तो हम तो एक दूसरे के लिए बने तो जब आप कैंपेन करने जाते हैं आपको लगता है कि एक एक कनेक्ट है लोगों के साथ अभी भी आपका आप आज का ही मेरा कार्यक्रम देखिए आपको वीडियो मिलेंगे कई क्योंकि आजकल तो हर चीज कैद हो जाती है जनता का मिलता है किसी चीज को चैलेंज मानते नहीं हूँ सामने जो काम आता है वो कर्तव्य है उसको पूरा करना है जैसे मैंने बताया बिजली पानी सड़क उस समय मुझे लगता था ये मुझे करना है प्राथमिकता के साथ अब इन सब चीजों की व्यवस्था होगी तो आज मेरे दिमाग में जुनून है कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे और बेहतर और अच्छा काम कैसे करूं रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा करूं निवेश और कैसे ढंग से मध्य प्रदेश में आए मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18 परसेंट लगातार डेढ़ दशक तक, तक रही है मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट इस साल भी 16 से ऊपर है पिछले साल 18 परसेंट थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हमारी ट्वेंटी है तो हर चीज़ में और बेहतर हम कैसे करें क्योंकि एक कदम आगे हमको बढ़ना है अगर आप हेल्थ के सेक्टर में देखें तो कुल पाँच मेडिकल कॉलेज थे मध्य प्रदेश में केवल पाँच उन्नीस तक अब बढ़ के पच्चीस हो गए तीस होने जा रहे हैं तो अलग अलग सेक्टर में फिर काम करने की ज़रूरत महसूस होती है तो उस दिशा में बढ़ जाते हैं अब टूरिज़्म के सेक्टर में हम खूब काम कर रहे हैं अब मध्य प्रदेश आप देखिए टाइगर स्टेट हैं हम टाइगर स्टेट हम लेपर्ड स्टेट हम बल्चर स्टेट हम घड़ियाल स्टेट अब तो चीता स्टेट भी हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में और कैसे बेहतर काम करें उसकी हम कोशिश करते रहते हैं राहुल गांधी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने तो कहा था कि बस शिवराज चौहान अब हारने वाले हैं और कमलनाथ की सरकार आने वाली है ये तो तय है सारे सर्विस भी यही बता रहे हैं दिल को बहना बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल जी कब परिपक्व होंगे कभी वो धान की रुपाई करने लगते हैं खेतों में जाके अरे भैया हमने तो खुद ही धान की रुपाई करी है कभी वो किसी ट्रक में बैठ जाते हैं क्लीनर और ड्राइवर के साथ कभी वो घर पे किसान से बात करते हैं अब वो क्या करना चाहते हैं? कभी बड़े विरक्त से लगते हैं जैसे बैरागी हो गए हों किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं परिपक्वता आज तक उनमें कभी दिखाई नहीं दी और इसलिए ऐसे कमेंट्स करना कुछ भी उनके लिए बड़ी आसान बात है उनको सचमुच में अब परिपक्व हो जाना चाहिए उम्र भी अब कम नहीं है उनके अब तो पचास के पार तो शायद हो ही जहाँ तक मैं सही हूँ तो लेकिन इतनी आसानी से कह देना आप तो बन जाएंगे और कैसे बन जाएंगे भाई तो जनता बीजेपी के साथ है लोग हमारे साथ जो इंडिया ग्रुपिंग बनी है आई एन डी आई ए की ग्रुपिंग उसके बारे में आप क्या समझते हैं शेर की खाल ओढ़ के कोई भेड़ या शेर नहीं बन जाता आप जैसे हैं वैसे रहोगे आपने नाम बदल लिया तो क्या आपके काम बदल जाएंगे क्या आपके प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा अभी जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्या भ्रष्टाचार के जो दाग उन पर हैं नाम बदलने से वो दाग खत्म हो जाएंगे क्या परिवारवाद के जो आरोप उन पर है क्या वो आरोप खत्म हो जाएंगे अब जब वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता है मोदी जी आज देश नहीं दुनिया के नेता हैं और देश को जिन ऊंचाइयों पर ले गए कोई सोच नहीं सकता एक ऐसे प्रधानमंत्री जो दिन और रात अगर सोचते हैं तो अपने देश के बारे में सोचते हैं देश की जनता के बारे में सोचते हैं और अब तो मैं कहूँगा कि केवल देश और जनता नहीं दुनिया के बारे में सोचते हैं बार्म, ग्लोबल वार्म ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पर्यावरण के विषय हो अब एक धरती एक परिवार एक भविष्य जो इस तरह का सोच जिनका हो अब उनसे मुकाबला तो करते बनता नहीं है अब मुकाबला करते नहीं बनता तो क्या करें नरेंद्र मोदी जी के समर्थन की बाढ़ है तो उस बाढ़ के डर से एक पेड़ पर पे बैठ जाओ अगर इनको अलग अलग छोड़ दिया जाए तो एक दूसरे को काटे एक दूसरे के खिलाफ ही काम करते हैं अलग अलग राज्यों में लड़ते रहें और किस ढंग से लड़ते रहें ये देश जानता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है लेकिन मोदी जी के डर के कारण सब एक ही पेड़ की डालों पर डटे हुए हैं और आज मित्रता जता रहे हैं इनकी असलियत जनता जानती है आप आ, ये कह रहे हैं कि आ... आ, वो डर रहे हैं मोदी जी से लेकिन आ, ये इनका जो गठबंधन है वो कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है इसलिए एनडीए को रिवाइव कर रही है एक तो वो बात आ, दूसरा खुद मान रहे हैं वो कि ये मजबूरियां इसलिए एक साथ हो रहे हैं नहीं ये मजबूरियाँ उनको मजबूत थोड़ी बनाएंगी अलग अलग विचार सोच और अलग अलग काम जिन रहे हैं वो एक होकर कहाँ से मुकाबला करेंगे देखिए एनडीए एकजुट है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब पीछे खड़े हुए हैं दूसरी बात है एक देश की जनता का विश्वास चाहिए विश्वास मोदी जी पर है विश्वास बीजेपी पर है विश्वास एनडीए पर है उसके कोई मुकाबला ही नहीं है दीवार पर साफ लिखा हुआ है 2024 में फिर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं भारी बहुमत के साथ 2019 में 29 में से 28 सीट्स आई थी आपकी बीजेपी की 2024 में आप उसको बेटर तो नहीं कर पाएंगे वो तो नहीं हो सकता नहीं अब इसकी बार इस बार हम 2024 में 29 में से 29 जीतेंगे अच्छा 29 में से 29 बहुत बड़ी बात कह दी आपने आ, सर मैं यही पूछूंगी कि जो सीट शेयरिंग जो उन्होंने जो करने वाले हैं इंडिया वाले तो उसमें आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस कितने सीट दे सकती है बाकी पार्टियों के लिए मुझे तो उस गठबंधन पर ही हुँ। जो अननेचुरल है जिसका आधार विचार है ही नहीं जिसका आधार मजबूरी है अब वो कैसे सीट बांटेंगे कैसे शेयरिंग करेंगे अभी तो आप देखिए उसी में तमाशा होने वाला है आ, इंडिया की जो ग्रुपिंग है वो कहती है कि अगर बीजेपी तीसरे टर्म में आ जाती है तो जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जुडिशरी हो जाए या फिर पार्लियामेंट हो संसद हो जाए या फिर इलेक्शन कमीशन हर इंस्टीट्यूशन uh, को वो अपने कब्जे में ले लेगी वैसे ही वो अपने कब्जे में ले रही है कह रहे हैं मीडिया uh, भी खत्म हो जाएगी और तीसरे टर्म में तो किसी ना किसी तरह इन्हें हराना ही है तो एक मकसद तो है ना उनका uh, एकजुट होने का सारे आरोप उनके या जो वो कह रहे हैं हास्यास्पद है कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा ये वो लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने का पाप किया था 1975 में इमरजेंसी कौन ने लगाई थी यही कांग्रेस थी जिसने इमरजेंसी लगाई थी लोकतंत्र का गला घोंटा था संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी थी ना अपील ना वकील ना दलील मैं उस समय केवल सत्रह साल का था और जेल गया था डी में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स मुझसे खतरा था देश की सुरक्षा को तो ये ये लोग आज बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हम सब लोकतांत्रिक परंपराओं का मूल्यों का संविधान का संस्थाओं का आदर करते हैं और उसी के अनुरूप देश चल रहा है कोई जनता इनका कहना माने की थोड़ी तो मजबूरी है बात दूसरी है ये रंगे श्यार की तरह व्यवहार कर रहे हैं कारण कुछ और है कारण यह है कि भ्रष्टाचारी मारे जाएंगे मोदी जी फिर आ गए तो कोई बचेगा नहीं और इसलिए कैसे भी झूठे मूठे आरोप लगा के हम गठबंधन बना के अगर बच सकते हैं तो बचें लेकिन गलत काम करने वाले बचेंगे नहीं और ऐसे लोग सत्ता में आएंगे नहीं सर आपने परिवारवाद का आरोप लगाया है बीजेपी अक्सर कहती है चाहे टीएमसी के बारे में हो या कांग्रेस के बारे में सपा बसपा सबके बारे में कहते परिवारवाद का आरोप लगाती है वो लोग कहते हैं कि बीजेपी में भी तो सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं आपकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो सेकंड या कुछ तो थर्ड जनरेशन पॉलिटिशन्स हैं देखिए परिवारवाद का मतलब होता है एक पीढ़ी आप देखेंगे बाकी पार्टियों को अगर कांग्रेस की बात करें तो गांधी परिवार का कोई विकल्प उन, उन लोगों ने नहीं ढूंढा एक आध बार अपवाद स्वरूप कहीं नरसिम्हा राव जी बन गए हों बाद में कितना व्यज्जित करके उनको निकाला गया था आज नाम तक उनका नहीं देते आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अटल जी अडवाणी जी मोदी जी अमित जी इनमें से कौन ऐसी परिवार की श्रृंखला से आया है आप देखिए लेकिन वहाँ आप देख लीजिए पूरे खानदान का खानदान ऊपर से लेकर नीचे तक और अगली पीढ़ी भी तैयार है ऐसे ही अगर आप देख लें अलग अलग पार्टी में नाम नहीं ले रहा समय नहीं लेना चाहता अलग अलग राज्यों में जो पार्टियाँ कभी सत्ता में आई या अपोजिशन में हैं वो केवल अपने परिवार को ही पोषित करने का काम करती है ये परिवारवाद है अगर कोई अपनी मेहनत के कारण एक परिवार का कोई और सदस्य आ गया राजनीति में तो वो परिवारवाद नहीं है लेकिन केवल खानदान की परंपरा चलती रहे और मैं मेरे बाद मेरे बेटे के हाथ में कमान सौंप जाऊँ तो ये परिवारवाद है और ये ये लोकतंत्र में नहीं चलता आ, नहीं आपके, चलना चाहिए आपके परिवार से कोई राजनीति में आना चाहता है आपके बेटे को देखा है कि वो भी आ, सोशल वर्क में करते हैं वगैरह क्या वो तो काम करना तो अधिकार है क्या वो राजनीति में अभी उनका कोई इरादा नहीं है लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम बिल्कुल दूर चले जाओ तुम कुछ मत नहीं करोगे उसकी भारतीय जनता पार्टी में आस्था है तो वो काम करते हैं जी आ, मैं सभी आ, अब मेरे सारे गेस्ट से ये पूछती हूँ मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में मैंने देखा है कि आप भी योगा करते हैं आपने योगा डे में आप योगा करते हैं मेंटल एंड फिजिकल वेल हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू यू और आप की टीम में जो आपके साथ काम करते हैं उनके लिए कितना जरूरी है मैं तो आज भी जब मैंने कुछ नियुक्ति पत्र बांटे शासकीय नौकरी के लिए तो मैंने यही कहा कि थोड़ा समय निकाल के फिजिकल एक्सरसाइज वो योगा भी हो सकती है या जो भी आपको पसंद हो जरूर करना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ प्राणायाम और ध्यान ये दोनों जरूर करना चाहिए क्योंकि मेंटली फिट रहना भी फिजिकली फिट रहना भी ज़रूरी है और मेंटली फिट रहना भी ज़रूरी है मेंटल पीस भी जरूरी है मानसिक शांति और उसका सबसे अच्छा साधन है ध्यान एकाग्र चित्त हो के हम कुछ देर अंतर्मुखी हो जाएं हमने एक विभाग यहाँ बनाया है उसका नाम है आनंद विभाग अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस और उसमें हम जनता को भी और हमारे शासकीय कर्मचारियों को भी एक विराम करके कार्यक्रम होता है जिसमें हम कहते हैं कि थोड़ी देर ध्यान करो सारी चीज़ें भूल के अंदर झाँक के देखो तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आज की व्यस्त आपाधापी से समय निकाल कर कई बार अपने बारे में विचार करें और ध्यान आपको अंतर्मुखी बनाता है आपकी आंतरिक शक्तियों का जागरण भी करता है और आपको मानसिक शांति होती है तो फिजिकली भी आप ज़्यादा फिट होते हैं आप ज़्यादा बेहतर काम कर पाते हैं शिवराज जी आप आपने वाजपेयी जी और अडवाणी जी के साथ भी काम किया है और अब मोदी शाह टीम में भी आप हैं उस वक्त का जो बीजेपी था और आज का बीजेपी क्या फर्क है क्या अंतर है कोई अंतर नहीं है एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया अब मान लीजिए आप एक ही बात देख लीजिए तय किया हम लोगों ने आज नहीं जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे धारा 370 के बारे में जैसे ही हमको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब पूर्ण बहुमत नहीं था हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक सीटों तक हम गए थे लेकिन जैसे पूर्ण बहुमतला धारा तीन समाप्त हो गई मैं मैं पूरा विश्लेषण नहीं कर रहा लेकिन लक्ष्य एक है तब भी वही लक्ष्य था जिसको हम कहें कि हमारे राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण तो वो श्रद्धे अटल जी और श्रद्धे अडवाणी जी उनके नेतृत्व में भी हुआ प्रारंभ डॉक्टर मुखर्जी साहब ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय हुआ और वो धारा आज आगे बढ़ रही है आ, अंत में एक दो सवाल जो आजकल चर्चा में है एक तो ये आ, सीमा हैदर वाला किस्सा है जो मैंने योगी जी से भी पूछा था आ, कि ये जो आ, पाकिस्तान से आ, एक महिला भारत आई है उसने धर्म परिवर्तन किया फिर भारत से एक महिला गई पाकिस्तान उसने धर्म परिवर्तन किया धर्म परिवर्तन के बारे में आप और लव जिहाद इसे लव जिहाद रिवर्स लव जिहाद कह रहे हैं लोग इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए मेरा साफ कहना है लव तो चल सकता है लेकिन जिहाद नहीं अगर धर्मांतरण का कुचक्र चलता है लोभ लालच भय लोभन दबाव वो अपराध है और मध्य प्रदेश में हमने इसके खिलाफ कानून बना रखा है हम कठोर कार्रवाई करते हैं कठोरतम कार्रवाई लेकिन इस ढंग से अगर कोई करेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे हम साफ कहते हैं वो नहीं होना चाहिए वो कुचक्र है बीजेपी के जो गोल दिया है प्रधानमंत्री ने विश्वगुरु बनने का कि भारत विश्वगुरु बने बनने वाला है बनने के कगार पे है उसके बारे में लोग से कह, बहुत से ओपर्ड्स निकलते हैं कि ये हास्यास्पद है कि आप विश्वगुरु कह रहे हैं जब यहाँ पर कुपोषण जैसे यू नो महामारी जै कह दीजिए या फिर दिक्कतें बहुत सारे राज्यों में हैं तो इट्स इट्स अ बिग इशू कि वी कैन नॉट इवन फीड सो मेनी ऑफ आर पीपल एज येट तो क्या इज इज इट टू मच ऑफ अ ऑफ़ अ गोल देखिए दोनों चीज़ें तेजी से हो रही एक गरीबी कम हो रही है आपने देखा अभी आंकड़े तीन करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी जो रेखा थी उसके बाहर निकल के आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से गरीबी दूर करने का काम भी कर रहा है और फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको इतनी सुविधाएं दे रहे हैं ये राशन इसलिए मकान इसलिए गैस कनेक्शन इसलिए ये इलाज की व्यवस्था इसलिए कि व्यक्ति मजबूर ना रहे हम तेजी से बाहर आ रहे हैं उससे एक दूसरी चीज आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा फाइव ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे देश को तेजी से काम कर रहे हैं आज हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से जा रहे हैं कब भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ा मुझे कोई बताए हम कई मामलों में आज दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं अब योगा क्या है आज दुनिया के एक सौ एक सौ से ज़्यादा लोग योगा को एडाप्ट कर रहे हैं मान रहे हैं भारत ने आज नहीं हजारों साल पहले कहा कि प्रकृति का शोषण मत करो दोहन करो शोषण और दोहन में अंतर है आम के पेड़ में फल लगे हुए हैं तोड़ लो तो ये दोहन है और पेड़ ही काट दो तो ये शोषण है आज नहीं प्रकृति की पूजा भारत ने हजारों साल पहले की हमने तो देवतात्मा हिमालय नदियों को हमने माताएं माना हमने गोवर्धन की पूजा की दुनिया आज वो मान रही है कि बिना पर्यावरण के दुनिया बच नहीं सकती और इसलिए कई मामलों में जलवायु परिवर्तन के मामले में हम दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने टारगेट फिक्स किए कि भारत कब किस लक्ष्य को अचीव करके दिखाएगा पूरी दुनिया को एक परिवार मान के हम कई समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखा रहे हैं आज नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको दुनिया के कई देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है और जब सर्वोच्च सम्मान मिला है तो वो केवल पीएम को नहीं मिला वो सम्मान भारत का है भारत के विचार का है भारत की 130 करोड़ जनता का है तो भारत तो उस दिशा में बढ़ रहा है चलिए इस पर मैं आपसे इजाजत लूंगी धन्यवाद आपने अपना वक्त दिया हमें एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्वेंटी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मध्य प्रदेश आते रहिए बहुत अच्छा राज्य थैंक यू Thank you for watching this edition of ANI podcast with Smita Prakash. To like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.